मैं डॉक्टर बसंतलाल बामनिया, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग। विद्यार्थियों, आज टॉपिक है रेंडरिंग। क्या है रेंडरिंग, किसको कहते हैं, और पोर्ट्रेट की रेंडरिंग किस प्रकार। बनाते हैं पोर्ट्रेट किसको कहते हैं आदि पर चर्चा करते हैं। पोर्ट्रेट किसको कहते हैं, रूप चित्र, व्यक्ति चित्र, विधि चित्र, छवि या छवि चित्र को पोर्ट्रेट कहते हैं। रेंडरिंग उपरोक्त सभी नाम जो मैंने बताए हैं, रूप चित्र, व्यक्ति चित्र, उन चित्रों का क्रिएटिव रचनात्मक द्वियायामी शैली में रचना करना ही रेंडरिंग है। रेंडरिंग वह कला जिसमें प्रकृति के यथार्थवादी स्वरूपों का चित्रण न होकर सौंदर्यगत तत्वों की अभिव्यक्ति मात्र रेखाओं और रंगों में की जाती है, मात्र रेखाओं और रंगों में हुई हों। कलाकार उस व्यक्ति की अस्तित्व बिंब को अपनी कौशल अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्त करता है। रचनाकार या कलाकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसका यथार्थ चित्रण से संबंध नहीं होता है। कला की वह विधा जिसमें चित्रकार अपने सुषुप्त मस्तिष्क की कल्पनाओं द्वारा चित्रांकन करता है। रेंडरिंग पूर्ण रूपेण कपोल कल्पना पर आधारित रचना है। एक तरह से यह आर्टिस्ट की मस्तिष्क की उपज है। इस प्रकार के चित्र रचना में लोकाकर्षण भले ही कम होता है, किंतु इस प्रकार की कला से कलाकार या मानव मस्तिष्क की बौद्धिक वृद्धि होती है। इस बौद्धिक वृद्धि के लिए स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षा में इसे अध्ययन कराया जाता है और विभिन्न कोर्सों में, सिलेबसों में इसे राजस्थान सरकार ने लागू किया है। इस प्रकार की कला शिक्षा से मानव को आनंद की अनुभूति होती है। मानव मनोरंजन के साथ साथ तनाव आदि से भी मुक्ति मिलती है। कई मनोरोगों से मुक्ति भी मिलती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोगियों के उपचार के लिए भी कला एवं संगीत का सहारा लिया जाता है। विद्यार्थियों, तो कला का महत्व और इस प्रकार की कला का महत्व और ये पोर्ट्रेट, रेंडरिंग आदि के बारे में आपने सुना और इसे अमल में लाके आप इस कला की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं।
विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।